क्या सुहाना सा मौसम है यार अपने लॉस सैंटोस के अंदर। एंड मेरे पास है गर्मा गर्म कॉफी एंड इस कॉफी का मजा ले रहा हूँ भाई मैं बीच पे खड़े होके। यस, यहाँ से तुम लोग नज़ारे देखो भाई। एक्चुअली मैं ये बीच पे जो पेयर नहीं है उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ भाई, एंड काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है ये समुद्र के अंदर। एंड यहाँ से जो व्यू पॉइंट मिलता है भाई, एक बार देखो तो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। एंड ये नज़ारे कॉफी पीते पीते इंजॉय कर रहा हूँ मैं। फिलहाल मेरी कॉफी खत्म हो गई है, छोड़ो कॉफ़ी को, इधर थोड़ा टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं भाई। इधर से हम लोग और थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, वैसे कुछ खास है नहीं सामने देखने लायक। वही है, थोड़ी बहुत अजीबोगरीब चिड़िया इधर उड़ती है वो देख सकते हैं, या फिर मछली तो पानी के अंदर की दिखेगी नहीं। ये क्या है, शार्क? नहीं, कुछ कचरा वचरा है। अरे ओके, दूर तो वो एयरपोर्ट है और कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा है डेफिनेटली। अब कचरा ही नज़र आ रहा है, सिर्फ पानी के अंदर एक मछली नजर नहीं आ रही है। छोड़ो भाई, बेकार ही है, निकलते हैं अपने घर की तरफ। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर आया क्यों था, बस ऐसे ही भाई बीच घूमने के लिए आया था। बहुत दिन हो गए थे यार बीच पे आए हुए, तो मैंने सोचा अपनी बाइक निकालते हैं बढ़िया सी एंड जरा बीच घूम के आते हैं। बस बाइक उठाई, लेके आ गया। लाने को तो मैं गाड़ी भी ला सकता था, लेकिन फिर गाड़ी जो है उधर पार्क वगैरह करनी पड़ती, इसीलिए मैं लाया नहीं भाई, अपनी बाइक ही लेके आ गया। यही सबसे बेस्ट था, क्योंकि बाइक को तुम लोग सीरियसली में भाई बीच पे कहीं भी लेके जा सकते हो। बताओ, मैंने पेयर पे यहाँ पर लगाई थी ये बाइक, मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल ही नीचे कहीं भी, लिटरली मैं जहाँ मर्जी वहाँ लेके जा सकते हो तुम लोग बाइक को। ऐसा सीन है लॉस सैंटोस के बीचेस का। खैर, निकलते हैं अपने घर की तरफ। वैसे ये वाली बाइक बहुत ही बढ़िया है यार, इसकी जो राइड की क्वालिटी है, मतलब बैठ के जो मज़ा आता है, जो लग्जरी फील होती है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। जैसा कि मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो कितनी आराम से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ चलती है, काफ़ी आराम से। खैर, निकलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ। फट जाओ भाई साहब, आराम से वैसे इस बाइक को मैं चला सकता हूँ, बट चलाता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही चलाता हूँ भाई अजीबोगरीब तरीके से ड्रिफ्ट करके। खैर, यहाँ से एक राइट कट लेते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया ड्रिफ्ट। एंड यहाँ से फिर से राइट कट लेना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया ड्रिफ्ट। और वाओ, क्या ड्रिफ्ट थी ये। एंड अभी सीधे निकलते हैं अपने घर की तरफ। वैसे ये जो बाइक है भाई, ये मैंने नई परचेज़ की है, मेरे पास ऑलरेडी स्पोर्ट्स बाइक वगैरह थी, बट मेरे पास हार्ले डेविडसन की थोड़ी कमी सी महसूस हो रही थी, इसलिए इस वाली बाइक को लेकर आ गया। बाइक में मुझे दो चीज़ें बढ़िया लगी, एक तो इसका कलर कॉम्बिनेशन, एंड एक जैसा मैंने बताया भाई चिल करते हुए चलाना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी इस बाइक की, इसलिए लेके आ गया। खैर, घर निकलते हैं। इस बाइक की स्पीड वैसे 200-250 नॉर्मल है, एंड टॉप स्पीड इसकी 300 के लगभग है, तो अच्छी खासी बाइक है ये। ओके ओके, कम ऑन, नाइस, क्विकली, एंड हियर वी गो। बहुत ही बढ़िया यार, अभी तक ठोक ही नहीं है ये बाइक मैंने, इतनी स्मूथ चलती है ये बाइक, क्या बताऊँ मैं। ब्रेकिंग देखो, इसकी ब्रेकिंग देखना चाहोगे, ये देखो ब्रेक लगाने शुरू किया एंड बाइक रुक गई। 200 की स्पीड से डायरेक्टली 0 पे आ जाती है ब्रेक लगाते ही, 2-4 सेकेंड के अंदर ही। एंड हियर वी गो, आगे से एक लेफ्ट कट प्लीज़। और नाइस, थोड़ी कीचड़ लग गई भाई बाइक पे, स्क्रैचेस नहीं है भाई, ये कीचड़ है, बीच की तरफ लग गई होगी या फिर रास्ते में। एंड ये आ गए भाई अपने घर की तरफ। अबे ये क्या है अब, अरे यार ये क्या होता रहता है मेरे घर के साथ आज, ये बताओ क्या है अजीब व गरीब सा। ये तो 2 फ्लोर का लग रहा है भाई, 2 फ्लोर है, सिंगल फ्लोर है, पता नहीं क्या सीन है, बट काफ़ी ज़्यादा अजीब है ये चीज़ तो, सीढ़ी वीढ़ी लगी पड़ी। अबे लेकिन मैं तो घर से ज़्यादा देर बाहर भी नहीं रहा, ये चीज़ बनाई किसने एंड इतनी जल्दी कैसे बनाई। मैं तुम लोगों को बताता हूँ सीन क्या, मैं बस जस्ट सुबह सुबह गया था यार बीच पे। अभी कितने बज रहे हैं भाई, अभी बज रहे हैं लगभग 12 बजने वाले हैं, ठीक है, और मैं अभी बीच पे गया था सुबह 6 बजे, मतलब 6 घंटे हो गए हैं लगभग। 6 घंटे में किसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी यार मेरे घर की छत पे, कैसे, वो भी इतनी जल्दी कैसे भाई, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार, कैसे कोई इतनी जल्दी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है, कोई छोटा मोटा घर भी नहीं। हाँ, लेकिन असेंबल्ड है ये तो, मतलब ऐसे ब्रिक्स लाके वॉल्स लाके असेंबल किया गया है इसको, इतना तो देख के पता चल रहा है। खैर चलते हैं अंदर, नहीं ओपन होगा ये ऑब्वियसली, सोच भी कैसे लिया मैंने कि ओपन हो जाएगा, ऑब्वियसली ओपन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ये। एक सेकेंड, इधर साइड में बाउंड्री क्यों है भाई, उधर साइड में मुझे बाउंड्री नज़र आ रही है, ये किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर वैसे ऐसे ही घूमने के लिए, या फिर कोई सीक्रेट रास्ता है यहाँ से, पता नहीं, हो सकता है मे बी कोई सीक्रेट रास्ता हो भाई।
ये बनाया किसने? पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है, वो भी इतनी जल्दी कैसे? अबे यहाँ लॉस एंजेलिस में एक छोटा सा बाथरूम बनाने में भाई 10 दिन लग जाते हैं, यहाँ इतना बड़ा घर बन गया वो भी 2 फ्लोर्स का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के अंदर, कैसे हो सकता है ये? एंड जब मैं गया था ना भाई 6 बजे, तब घर पे कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल अपना नॉर्मल घर था। लेकिन जब आता हूँ तो ये देखो, ये सीढ़ियाँ लग गई है, इधर सीढ़ियाँ लग गई है, ये पूरा बिल्डिंग पता नहीं क्या बन गया है। यहाँ पर कुछ है क्या? ये क्यों है ये एक्सटेंडेड सा प्लेटफॉर्म? ऐसे ही डिज़ाइन होगा बस, मुझे तो यही लग रहा है। ले भाई गिर गया, डिज़ाइन ही लग रहा है। इसके अलावा और कोई दरवाज़ा है क्या? ये दरवाज़ा तो ओपन ही नहीं हो रहा। इधर से कोई दरवाज़ा? ओ इधर से एक छोटा सा गैप है, अंदर झांक सकता हूँ मैं शायद। क्या है अंदर यार, झांकने दोगे भाई? थोड़ा सा प्लीज़। ओ नो, नीचे गिर जाऊँगा मैं, नहीं जा सकता, छोड़ो भाई। कहीं और कोई गैप वैप है? नहीं। अब कैसे पता चलेगा क्या है ये, किसने बनवाया है एंड ये क्यों बनवाया है? ओ भाई यहाँ तो ये जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ तो मुझे लग रहा है मैं डायरेक्टली नीचे ही गिरूँगा, एंड गिर गया नीचे। वैसे कुछ पेपर सा देखा था भाई, एक बार फिर से चल के देखते हैं यार, कुछ पेपर सा नज़र तो आया था मुझे। लेट्स गो जल्दी। अबे लेकिन इधर से कैसे जाऊँ, इधर तो जगह ही नहीं है। रुको मैं क्या जंप लगा सकता हूँ? नहीं, मैं नीचे जंप लगा दी भाई, उधर से तो जगह ही नहीं है, इधर से चलते हैं ज़रा। या फिर रुको, इस छत पे नहीं जा सकता मैं? वेट, सीढ़ियों से आ गए यहाँ पे, यहाँ से आ गए सिंपली यहाँ पे। दरवाजे पे चढ़ सकता हूँ क्या मैं? प्लीज़ भाई दरवाजे पे नहीं चढ़ सकता, दरवाजे पे चढ़ जाता तो भाई छत तक पहुँच जाता। कोई बात नहीं, छत को अभी फिलहाल। अबे यार मैं गिर क्यों रहा हूँ बार बार? उधर पेपर जो दिखा था उधर चलते हैं, मुझे लग रहा है उसके अंदर डेफिनेटली टास्क होंगे भाई। एंड उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो जो आगे की तरफ व्हाइट कलर का वो दरवाजा है सीढ़ियों के पास, वो शायद ओपन होगा। लेट्स गो गाइस, रीड करते हैं इस पेपर को एंड देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। लेट्स रीड इट। तो पेपर के अंदर तुम लोग सबसे टॉप पर देख सकते हो भाई, कंप्लीट दीज टास्क टू ओपन द डोर, साफ साफ लिखा हुआ है टॉप पर। ठीक है, नीचे पहला टास्क, चेंज अ RC कार इनटू अ नॉर्मल कार। वेट व्हाट? क्या चेंज RC कार टू अ नॉर्मल कार? अरे भाई इस दरवाजे को ओपन करने के लिए पहले ये टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, एंड इन टास्क में से भाई सबसे पहला जो टास्क है वो है चेंज RC कार इनटू अ नॉर्मल कार। एक RC कार को नॉर्मल कार में कोई बंदा कैसे ही चेंज करे भाई? हैं, सबसे पहले तो RC कार ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है भाई, शक वाली। सबसे पहले तो एक RC कार ढूंढो एंड देन फिर उसे नॉर्मल कार में चेंज करो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यार। पता नहीं मैं ये कैसे करने वाला हूँ, बट करना तो पड़ेगा, कैसे होगा देखते हैं। पहले तो RC कार ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये सारी मेहनत होगी भाई इस दरवाजे को ओपन करने के लिए। पता नहीं ये ओपन होगा भी कि नहीं, क्योंकि पता नहीं बाकी टास्क कंप्लीट होंगे कि नहीं, क्योंकि पहला ही इतना मुश्किल है यार, चेंज RC कार इनटू नॉर्मल कार। सबसे पहले तो गाइस RC कार ढूंढने के लिए चलते हैं, कैसी भी RC कार मिल जाए चलेगा, बस RC कार होनी चाहिए, एंड देन फिर उसे हमें नॉर्मल कार में चेंज करने की कोशिश करनी है। मैं कहाँ जाऊँ RC कार ढूंढने के लिए? साइमन के पास? नहीं, साइमन के पास तो मैं जाऊंगा उस RC कार को नॉर्मल कार में चेंज करवाने के लिए। यस, अभी तो पहले RC कार ढूंढते हैं। अब लेकिन नॉर्मल RC कार मिलेगी कहाँ पे? अरे इधर पुलिस वालों की तगड़ी फाइट चल रही है भाई। RC कार टॉय शॉप पे मे भी चलते हैं, एक टॉय शॉप है तो सही, इधर कहीं इधर है आगे वाले रास्ते पे, शायद आगे वाले, नहीं नहीं इसी रास्ते पे, रुको, टॉय शॉप इसी रास्ते पे आगे जाके है, इधर कहीं होनी चाहिए ये टॉय शॉप। इधर नहीं है, मेरे घर के काफ़ी पास में ही है वो टॉय शॉप। हाँ वो रहा भाई, ये देखो गाइस, ये है एक टॉय शॉप, हार्डकोर कॉमिक स्टोर। यहाँ पर डेफिनेटली RC कार मिल जाएगी भाई मुझे, लेकिन RC कार तो प्लास्टिक की होती है, लोकल सी होती है, नॉर्मल सी होती है, उसको मैं नॉर्मल कार के अंदर चेंज कैसे करूँगा भाई? RC कार के अंदर तो कोई इंजन भी नहीं होता, छोटी सी मोटर होती है, रिमोट से चलता है भाई वो, गाड़ी के लिए तो पूरा इंजन चाहिए। अरे यार कैसे होगा, RC कार को मैं कैसे चेंज करूँ? मुझे गाइस वो बच्चों वाली छोटी वाली RC कार नहीं चाहिए, बड़ी RC कार चाहिए होगी, एंड इसका जुगाड़ तो लेस्टर ही करेगा भाई मेरे लिए। काम करते हैं क्विकली, लेस्टर के पास निकलते हैं, उसको ज़रूर पता होगा किसी ऐसे बंदे के बारे में जिसके पास थोड़ी बड़ी सी RC कार हो। हाँ अगर बड़ी सी RC कार होगी भाई तो उसको फिर मैं शायद चेंज करवा सकता हूँ एक नॉर्मल कार में, अगर बड़ी सी RC कार मिल गई तो। देखते हैं, लेस्टर के पास सबसे पहले तो चलते हैं। लेस्टर का घर नहीं, लेस्टर की जो गली है वो है ये वाली, एंड यहाँ पर आ चुके हैं। अबे यार ड्रिफ्ट लगाने के चक्कर में बाइक कहाँ जा रही है मेरी। ये भाई लेस्टर की गली,
एंड ये है लेस्टर का घर, एंड ये रहा लेस्टर, और ये कर क्या रहा? अब कॉफी पी रहा है। सारे आज कॉफी पीने में लगे पड़े हैं, मैं भी बीच पे खड़े होकर कॉफी पी रहा था, ये लेस्टर भी कॉफी पी रहा है। खैर लेस्टर भाई, यार मेरे को जरा एक आरसी कार के बारे में पता करना है। नॉर्मल छोटी सी आरसी कार नहीं, वो तो टॉय स्टोर पे भी मिल जाएगी, मुझे ऐसी आरसी कार चाहिए जिसको मैं चेंज करवा के थोड़ी बड़ी गाड़ी बना सकूं। पता है ऐसी आरसी कार है तेरे पास, मतलब जानता है किसी बंदे को? ओके गाइज, लेस्टर ने एक बंदे के बारे में बताया भाई, एंड लेस्टर कह रहा है कि वो बंदा तुम्हें देगा तो नहीं, तुम्हें वहां से चुरानी पड़ेगी। एंड ये बंदा कह रहा है कि वो बंदा है जिसके पास वो आरसी कार है, वो एक्चुअली में वो रिचमैन होटल है भाई, उसके अंदर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। लेस्टर कह रहा है उसके पास एक बहुत ही तगड़ी सी लैम्बोर्गिनी आरसी कार है, एंड उसके अंदर इंजन वगैरह सब कुछ है, मतलब वो देखने से लगती नहीं आरसी कार, बट वो आरसी कार है। तो लेस्टर कह रहा है तुम उसको जाके चुरा सकते हो, एंड देन उसे नॉर्मल कार में चेंज करवा सकते हो। आइडिया बहुत ही बढ़िया है, तो चलते हैं फिर द रिचमैन होटल की तरफ, एंड उठा लेते हैं उस बंदे की आरसी कार, दिक्कत किस बात की है। चलो भाई एक काम करते हैं, अपनी बाइक को कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ छोड़ के आ जाऊँ एज अ बेवकूफ तो नहीं हूँ मैं, तो सबसे पहले अपनी गाड़ी लेके घर चलते हैं। आ गए भाई घर पे, अब सिंपली अपनी बाइक को यहाँ रखते हैं एंड किसी और की गाड़ी उठा लेते हैं, जस्ट लाइक अपने पड़ोसी की। तो पड़ोसी की गाड़ी यहाँ पर उठा ली है मैंने, अब यहाँ से निकलना है हमें सिंपली द रिचमैन होटल की तरफ। चलो भाई, ये भाई द रिचमैन होटल, ठीक है यहीं पे वो बंदा रुका हुआ है जिसके पास आरसी कार है, ऐसा मुझे लेस्टर ने बताया भाई। देख लेते हैं कहाँ है आरसी कार एंड कहाँ है वो बंदा। सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग कहाँ है ये देखना पड़ेगा। ओह पार्किंग तो यहीं पे है होटल के सामने ही, तो आरसी कार यहाँ तो उसने पार्क नहीं की होगी भाई। यस डेफिनेटली यहाँ पर तो नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो आरसी कार उस बंदे ने पार्क कहाँ की होगी ये देखना पड़ेगा, शायद होटल के अंदर। क्या बड़ा होटल है भाई, उधर से लेके ये देखो, सीरियसली मैं सही नाम है इसका रिचमैन होटल, इसके अंदर सिर्फ रिच बंदे ही आ सकते हैं। ये देखो रिच बंदे, मैं बजा दूंगा तुम लोगों ने, हटो सामने से। ये बताओ आरसी कार कहाँ है? अरे आरसी कार कहाँ है, आरसी कार अंदर चलते हैं एक बार। बताओ यार ये तो अभी पहला ही टास्क है, दो बाकी दो टास्क कंप्लीट करने में तो हालत खराब हो जाएगी, अभी तो जस्ट टास्क कंप्लीट करने की शुरुआत की है। मैंने मिल गई भाई, मिल गई हमें द फर्स्ट वन आरसी कार मिल चुकी है, मतलब फर्स्ट वन क्या, फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए आरसी कार मिल चुकी है। एंड यस ये एक लैम्बोर्गिनी आरसी कार है, एंड देखने से काफी छोटी सी है, बट डेफिनेटली ये कोई आरसी कार लग तो नहीं रही है, स्पीड भी देखो इसकी अच्छी खासी है। लेके निकलते हैं गाइस। अरे वाह भाई मस्त गाड़ी मिल गई, अब इसको बस ट्रांसफॉर्म करवाना है हमें नॉर्मल कार में, एंड देन हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो गाइस ये है आरसी कार, अब इस आरसी कार को चेंज करना है हमें नॉर्मल कार के अंदर, वो कर देगा भाई अपना साइमन। चलते हैं साइमन के शोरूम पे, वो डेफिनेटली कर देगा भाई। साइमन टैलेंटेड बंदा है, भले ही थोड़ा नालायक चिड़चिड़ा एंड थोड़ा बेवकूफ बंदा है, बट टैलेंटेड तो है, वो कर देगा ये काम डेफिनेटली। इस आरसी लैम्बोर्गिनी को एक रियल लैम्बोर्गिनी के अंदर वो चेंज कर सकता है। तो निकलते हैं साइमन के शोरूम की तरफ भाई साहब, क्या मजा आ रहा है इसको चलाने में, और ड्रिफ्ट भी लगा रहा हूँ भाई इस छोटी सी गाड़ी से मैं, और क्या आराम से चुरा लिया भाई इस गाड़ी को मैंने, किसी को पता भी नहीं चला, रिचमैन होटल में चुपके से गया लेके आ गया। वेलकम टू द साइमन्स शोरूम एवरीवन, हियर वी आर, आ चुके हैं भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हेलो भाई साइमन, कैसे हाल चाल? साइमन भाई ये जो आरसी कार दिख रही है भाई तुझे, इसको यार तुझे ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है नॉर्मल लैम्बोर्गिनी में, कर सकता है क्या तू? ये यार भाई प्लीज कर दे यार, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको चेंज कर दे। कब तक नहीं भाई, अभी चेंज कर दे, आधे घंटे के अंदर। कोशिश करता हूँ। नहीं भाई साइमन, तुझे चेंज करना ही पड़ेगा, ये लैम्बोर्गिनी आरसी लैम्बोर्गिनी है, इसको तुझे एक नॉर्मल लैम्बोर्गिनी कार के अंदर चेंज करना है, आधे घंटे का टाइम है तेरे पास। साइमन कह रहा भाई कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं भाई मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके वेट करते हैं, मैं पहले ये पहला टास्क कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद अगले टास्क की तरफ बढ़ेंगे भाई, पहले हो जाने दो ये पहला टास्क। वेट करते हैं यहीं पर थोड़ी देर, आधा घंटा गया, एक घंटा हो गया भाई लेस्टर को, मतलब लेस्टर को नहीं साइमन को गाड़ी दिए हुए, एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई, एक बजने वाले हैं, देखते हैं साइमन ने आखिर कितना काम पहुँचा दिया है। उम्मीद तो है साइमन से, कर दिया होगा उसने काम सारा, देखते हैं ज़रा भाई। ओके रेडी ओए वेट, चेंज तो कर दिया है भाई, अब खुद ही ताली बजा रहा है, रुक
मेरे को देखने दे, मैं तय करूंगा कि ताली बजानी पड़ेगी कि नहीं। ओ यस, लैम्बोर्गिनी! इसने आरसी लैम्बोर्गिनी को भाई पूरी लैम्बोर्गिनी कार के अंदर चेंज कर दिया भाई। साइमन तूने कमाल कर दिया भाई। साइमन यार इसी बात पे गले मिल भाई, तूने आज दिल जीत लिया मेरा। भाई मेरे को लगा नहीं था ये साइमन कर देगा, मुझे लगा बेनी वेनी के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन भाई साइमन तूने आज कमाल कर दिया टकले। ओ भाई क्या लग रही है ये। नाइस नाइस यार, फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया तो किया, साथ ही साथ एक लैम्बोर्गिनी मिल गई। तेरे पैसे दे दूंगा मैं बाद में। ओ भाई साहब, आरसी लैम्बोर्गिनी से ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई ये। खैर ये वही गाड़ी है, बस उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। बट जो भी हो, इसी के साथ हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टास्क की तरफ। सेकंड टास्क देखने के लिए पहले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर मैं लाया नहीं हूँ भाई अपने साथ। तो पहले तो क्विकली घर की तरफ निकलते हैं एंड घर पहुँच के देखते हैं कि आखिरकार क्या है सेकेंड टास्क। कुछ ईजी सा हो तो मज़ा आ जाएगा भाई, प्लीज़ भाई कुछ भी ईजी सा हो, मतलब नॉर्मल सा, सस्ता सा, लोकल सा टास्क, मज़ा आ जाएगा। चलते हैं घर, देखते हैं क्या है। वेलकम बैक एवरीवन, आ चुके हैं भाई अपनी गली के अंदर अपनी लैम्बोर्गिनी लेके। हट जाओ भाई सामने से सबके सब, प्लीज़। कोई है ही नहीं वैसे सामने से हटाने के लिए। एंड इस गाड़ी को लगा देते हैं इधर साइड में, क्योंकि इस गाड़ी को लेकर नहीं जाने वाला भाई मैं कहीं पे भी। एंड वो पेपर जो था, वो पेपर इस बार पढ़ के भाई टास्क एंड जेब में ही रख लेंगे। इधर उधर छोड़ देता हूँ मैं, रुको। अबे नीचे गिर गया भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके इधर से इधर एंड यहाँ से इधर, चलो भाई नाइस। लेट मी रीड द टास्क, लेट्स रीड द सेकंड टास्क। तो यहाँ पर सेकंड टास्क देख सकते हो गाइस, लिखा हुआ है स्टील एनी एक्सपेंसिव आइटम फ्रॉम एनी रिच मैंस हाउस। ओके तो हमें किसी भी एक अमीर बंदे के घर से कुछ एक्सपेंसिव आइटम चुराना है। अबे ये क्या टास्क हुआ भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टास्क हुआ। खैर पहले ये पेपर रख लेते हैं अपनी जेब में यार, मैं भूल जाऊँगा वरना। किसी भी एक रिच मैन के घर में से हमें कोई भी एक एक्सपेंसिव आइटम चुराना है। किस रिच मैन के घर में जाऊँ मैं, किस अमीर बंदे के? एक वैसे अमीर बंदा मेरे ध्यान में है तो सही, वहाँ चल सकते हैं भाई चुराने के लिए। ये लैम्बोर्गिनी तो लेके नहीं जाने वाला, ये बाइक लेके चलते हैं। हाँ घर में से चुराना है, मतलब उस रिच बंदे की गाड़ी वाड़ी नहीं चुरा सकता मैं, क्योंकि आम तौर पे गाड़ियाँ तो बाहर ही पार्क्ड होती हैं घरों के। तो रिच बंदे की भाई क्या ऐसी चीज़ होगी एक्सपेंसिव जो मैं उसके घर से चुरा सकता हूँ? कोई ज्वेलरी? अमीरों के मोहल्ले में चल सकते हैं गाइज, लेकिन यार वहाँ पे मुझे नहीं लगता एक्सपेंसिव आइटम उनके घर के अंदर कुछ होगा, क्योंकि वहाँ जो मेनली बंदे रहते हैं ना भाई अमीरों के मोहल्ले में, वो ज़्यादातर खर्चा करते हैं गाड़ियों पे, घर के बाहर पे, अपने कपड़ों पे, इन सब सामानों पे खर्चा करते हैं। एंड मान लो मैं किसी तरीके से घर के अंदर उनके घुस गया एंड कोई एक्सपेंसिव चीज़ मिल भी गई, तो वहाँ से यार भागना थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पुलिस वाले पीछे पड़ सकते हैं। एंड उधर तो भाई पुलिस स्टेशन पास में भी है, तो उधर से नहीं, हमें कोई ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जो कि किसी अमीर बंदे का ही घर हो, जहाँ से हमें एक्सपेंसिव आइटम भी मिल जाए एंड आजू बाजू पुलिस वाले भी ना पड़े। एंड ऐसा घर मेरे दिमाग में है तो सही, निकलते हैं भाई वहाँ पे। वो घर है गाइस उसका भाई, वो पता नहीं उसका नाम भूल गया, उसका घर, अबे लिटरली मैं भाई उसका नाम भूल गया यार, बहुत खतरनाक बंदा है एक, उसका कुछ तो अजीबोगरीब नाम है, रुको मेरे को याद करने दो उसका नाम क्या था। मैंने नाम याद करने की बहुत कोशिश की, मेरे को याद नहीं नाम आया भाई। खैर उसकी नेम प्लेट पे लिखा होगा ना भाई, देखो ये वाला घर, ये वाले घर की बात कर रहा था मैं, पता नहीं क्या नाम है ये। अबे नेम प्लेट पे तो घर का नाम लिखा है ला फ्यूंटे ब्लांका, उसका ओनर का नाम नहीं लिखा है। खैर इसी घर की बात कर रहा था मैं यहीं पर जाने वाला हूँ कोई एक्सपेंसिव आइटम चुराने के लिए, एंड अपना सेकंड टास्क मैं यहीं से कंप्लीट करूँगा। मैं आगे इसलिए गया हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ आजू बाजू, देखो कोई घर भी नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन, कोई पुलिस वुलिस का कुछ लफड़ा नहीं होने वाला, तो यहाँ से थोड़ा ईजी रहेगा कोई भी एक्सपेंसिव आइटम चुरा के भागना, इसलिए मैं आया हूँ इस वाले घर पे। बट सीरियसली मैं यार इस ओनर का नाम भूल गया, पता नहीं क्या नाम था इस बंदे का, उस तो अजीबोगरीब नाम था। खैर छोड़ो, बाइक को यहाँ पर लगाते हैं एंड चुपके से चलते हैं कुछ भी चुराने के लिए। इस बंदे के घर के अंदर हमें एंट्री लेनी है एंड कुछ भी सामान चुराना है, एक्सपेंसिव जो कि होना चाहिए, क्योंकि क्लियरली उस पेपर के अंदर लिखा था भाई कि स्टील एनी एक्सपेंसिव आइटम फ्रॉम एनी रिच मैंस हाउस। तो रिच मैन के घर में तो आ चुके हैं, मतलब घर के बाहर आ चुके हैं, अब घर के अंदर जाएंगे कुछ एक्सपेंसिव आइटम चुराएंगे, बस सिंपल ईजी। ओके ओ नो शायद सामने की तरफ कुछ गार्ड वार्ड है, ओ इधर गार्डनर भी है इनका, काम करता हूँ झाड़ियों में से आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही बढ़िया, आराम से इधर आ गया भाई। काफी गार्ड लग रहे हैं इधर आगे, तो देख ना ले भाई, एक ने भी देख लिया कूट काट देंगे पकड़ के। अरे तो मैं भी इन्हें कूट दूंगा, मेरे पास भी पिस्टल एंड शॉटगन है, पंगे तो लेने दो इन्हें एक बार। ओके देखो इस बंदे की गाड़ी खड़ी है, लेकिन मैं नहीं चुराने वाला, गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, घर के अंदर से कुछ चुराना है एक्सपेंसिव आइटम। चलो चलो चलो, ओके ओके घर के अंदर एंट्री लेते हैं गाइस। देखो अभी तक भाई पकड़ में तो नहीं आया हूँ मैं इन बंदों की, हैं काफ़ी सारे गार्ड्स इधर बट किसी ने भी पकड़ा नहीं है। अब एंट्री कहाँ से लूँ ये देखना पड़ेगा भाई। उन आगे भी दो तीन बंदे हैं यार, ओ यहाँ पर भी एक बंदा है चुटिया वाला। नहीं भाई इधर से नहीं जा सकता वापस, चलो इधर से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। अबे गेट भी तो कोई सा खुला नहीं है यार, क्या ही ड्रामा है ये, कैसे एंट्री लूँ मैं। उन्हों देखना मत भाइयों प्लीज़। ओके ओ गाइस एक वो देखो नीली टी शर्ट वाला बंदा सामने देख रहा है, दो बंदे उधर थे वो बातों में लगे पड़े हैं। एंड यहाँ पर मैं ले लूँगा एंट्री, आ गया भाई घर में एंट्री लेके। एंड यहाँ पर भाई एक्सपेंसिव आइटम तो बहुत सारे हैं इसके घर में, ये देखो पेंटिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स नहीं तो ये देखो भाई ये कुछ छोटे छोटे मिनिएचर हैं, देख रहे हो भाई ये छोटी छोटी मूर्तियाँ, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी। वो देखो क्लॉक भाई, ये तो पूरा शौकीन लग रहा है यार महंगे आइटम्स का। ये देखो ये भी सब महंगे महंगे है, वासेस वगैरह। घोड़े की पेंटिंग्स कुछ ज़्यादा ही नहीं है इसके घर में, लगता है घोड़े की पेंटिंग्स का शौकीन। ओ नो एक स्टैचू गिरा, स्टैचू गिरा ना भाई एक, रुको रुको वो स्टैचू उठा लूँ क्या, मुझे तो लग रहा है गाइस वो स्टैचू लेके निकलना चाहिए भाई। एक स्टैचू गिरा तो सही, घोड़े का स्टैचू था, वो भी महंगा ही होगा, लेके निकल लें क्या। आई गेस हाँ वही लेके निकल लेना चाहिए, वैसे तो घर काफ़ी बड़ा है और इन घर में मुझे लगता है सारा ही आइटम एक्सपेंसिव है भाई। ये देखो पेंटिंग्स कितनी सारी हैं यहाँ पे, बट वो एक मूर्ति गिरी, वास भी ले जा सकता हूँ मैं, महंगा ही लग रहा है। वो घोड़े की मूर्ति डेफिनेटली बहुत महंगी होगी, वही लेके चलते हैं यार। कम ऑन गाइस क्विकली, कहाँ कहाँ गिरी वो मूर्ति, इधर शायद, नहीं नहीं यहाँ पे, हाँ इस कोने में उठाते हैं, उधर पीछे गिरी है इसके मूर्ति। वैसे देखो गाइस मिल तो गई है ठीक है, लेकिन ऐसी मूर्ति सेम टू सेम एक यहाँ पर भी रखी है, वो भी लोग गिरा दी मैंने, एक्सपेंसिव है कि नहीं है। दो दो मूर्ति देख ली वैसी ही, शायद एक्सपेंसिव ही होगी तभी तो दो दो इसने कलेक्ट करके रखी है। काम कर लेते हैं एक उठा लेते हैं भाई, मुझे तो महंगी लग रही है भाई। देखो मैं कोई ऐसी पुरानी चीज़ों का जानकार तो हो नहीं कि मेरे को पता चल जाए इनमें से क्या चीज़ एक्सपेंसिव है क्या चीज़ नहीं है, या फिर ज्वेलरी वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पर, यही चीज़ थोड़ी सी महंगी लग रही है। मतलब यही जो स्टैचूज है, स्टैचूज तो खैर सारे ही महंगे होंगे, तो ये वाला उठा लेते हैं एक, ठीक लग रहा है ब्लैक वाला, ब्लैक घोड़ा रख लेते हैं भाई। चलो भाई बैग में रख लिया, बैग भी यहीं से मिल गया मुझे, और कुछ तो नहीं लगता एक्सपेंसिव होगा। मतलब एक्सपेंसिव तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पता कर पाऊँगा कि क्या एक्सपेंसिव है। वो देखो वो चुटिया वाला बंदा वहाँ पे है, दो तीन बंदे उधर हैं। खैर मैं जल्द से जल्द निकलता हूँ यार, घोड़े वाली मूर्ति मैंने रख ली है, लेट्स गो। आ गए बाहर आ गए, अब मुझे इस तरीके से यहाँ से भागना होगा गाइस कि कोई मुझे देख ना पाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पर आ गया। अब सिंपली देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली इसके पीछे एंड यहाँ से सिंपली इसके पीछे। अरे वाह यार क्या शांति से चोरी की है भाई मैंने, वैसे उस पर कुछ लिखा नहीं था पेपर पे साइलेंटली चोरी करनी है या फिर नहीं, बट मैंने, तुम लोग देखो भाई क्या हाई आईक्यू यूज़ करते हो, बिल्कुल आराम से शांति से चोरी की है। एंड गार्ड्स होते हुए उनके पीछे से गया चुपके से एंड लेके आ गया भाई सामान, लेके आ गया वो घोड़े की मूर्ति। एंड इसी के साथ हमारा हमारा सेकंड टास्क होता है कंप्लीट। यस ला फ्यूंटे ब्लैंका से हम लोगों ने चुरा ली है एक घोड़े की मूर्ति। ओए ये जो घर का नाम है उसका जो लोगो है उस पर भी देखो घोड़ा बना हुआ है, सीरियसली मैं बंदा घोड़े का शौकीन है। खैर वो सब छोड़ो, सेकंड टास्क कंप्लीट। अब कहीं इस साइड में इस बाइक को रोकते हैं, थर्ड टास्क रीड करते हैं, देखते हैं आखिरकार ये थर्ड टास्क है क्या। जो भी होगा उसे भी कंप्लीट कर देंगे एंड फिर उस दरवाजे को ओपन करेंगे जो कि हमारे घर की छत पे लगा हुआ है, आई मीन थर्ड टास्क। एंड यहाँ पर थर्ड टास्क है लॉक द मिलिट्री कर्नल इन एनी रूम ऑफ मिलिट्री बेस। हाँ ये क्या टास्क है, नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो देखो भाई तुम लोग कर दोगे, बट लॉक द मिलिट्री कर्नल इन एनी रूम ऑफ मिलिट्री बेस। भाई मिलिट्री कर्नल को लॉक करना पड़ेगा एक रूम के अंदर, ये टास्क थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। डिफिकल्ट है डेफिनेटली, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, मिलिट्री कर्नल को कोपचे में ले जाना बहुत मुश्किल चीज़ है, बट हाँ मज़ेदार होने वाला है। लेट्स गो करते हैं इसी टास्क को अभी के अभी कंप्लीट, चलते हैं अपनी बाइक ले गए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। एंड ये घोड़े की मूर्ति रास्ते में किसी को गिफ्ट कर देते हैं। रुको भाई रुको रुको रुको, कोई कोई बंदा दिखेगा। हेलो सर, अरे गिर गया मैं। हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो हाउ आर यू,
मेरी तरफ से आपके लिए सर गिफ्ट है एक, ये घोड़े की मूर्ति रख लो, प्लीज सर प्लीज रख लो। सर इस बैग के अंदर घोड़े की मूर्ति आपके लिए रख लो, गिफ्ट गिफ्ट मेरी तरफ से गिफ्ट। आपका बर्थडे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे, मेरी तरफ से गिफ्ट। खुश मेरा भी बर्थडे नहीं है। ओके अभी कहाँ जाने वाला था, हाँ मिलिट्री बेस, चलो गाइस क्विकली मिलिट्री बेस चलते हैं। एंड मिलिट्री बेस में जाके मिलिट्री कर्नल को मिलिट्री बेस के ही किसी रूम में लॉक करके आते हैं। चलो भाई, ओहो क्या बात है, आज तो बंदे फुल स्पीड में गाड़ियाँ भगा रहे हैं। ओ पीले वाली गाड़ी वाले भाई साहब को देखो, और तेज़ भगाऊं मैं इनकी गाड़ी, देखना चाहोगे भाई, ये देखो अब ये बंदा और तेज़ गाड़ी भगाएगा, तुम लोग देखते जाओ। अब ये बंदा सीरियसली में बहुत तेज़ भगाने वाला है। अबे ले उसने तो गाड़ी ठोक दी, कैसे नमूने हैं यार लॉस एंजेलिस में। कोई बात नहीं, वो ठीक है, बंदा अभी होश में है। वो कहाँ वापस जा रहा है, अभी तू इधर जा रहा था भाई इस डायरेक्शन में। मैं क्या करने वाला था, हाँ मैं, अरे मैं बीच बीच पे नहीं, अरे क्या ये, अरे ये कहाँ जाने वाला था, मैं तो टास्क ही भूल गया। कोई बात नहीं, पेपर मेरी जेब में है, बट याद आ गया मुझे टास्क, मिलिट्री गनल को रूम में लॉक करना है। बाथरूम के अंदर लॉक कर दूँ क्या मिलिट्री गनल को, छोड़ो पता नहीं बाथरूम कहाँ है मिलिट्री बेस का, नॉर्मल वाले रूम में ही लॉक कर देते हैं। ये चीज़ें तोड़ने में मज़ा आ रहा था। आ गए भाई फाइनली मिलिट्री बेस की तरफ हम लोग, एंड तुम लोग देखना क्या एपिक वाली एक ड्रिफ्ट लगाऊंगा मैं यहाँ से। आर यू रेडी फॉर द अल्टीमेट ड्रिफ्ट, जस्ट लुक एट दिस। ओ भाई साहब क्या ड्रिफ्ट थी ये। ओके आ गए मिलिट्री बेस के अंदर, नहीं मतलब बाहर, चलते हैं अंदर, रोकेंगे तो नहीं ये लोग, जानते हैं अब तो अच्छी तरीके से। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, वेयर इज मिलिट्री कर्नल, कहाँ है मिलिट्री कर्नल भाई साहब। हेलो सर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ सर, ये तो रहा मिलिट्री कर्नल। हेलो सर कैसे चल रहा है सब कुछ सर, आई होप बढ़िया चल रहा होगा सर। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी सर। क्या बात करनी है, बता रहा हूँ वो एक्चुअली मैं सर, मेरे को एक सर खबर पता चली है लॉस सैंटोस पे अटैक के बारे में। ये खबर के बारे में मैं सर आपको यहाँ नहीं बता सकता, कहीं कोने में चलना पड़ेगा सर। आ जाओ सर आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सर, आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग देखते जाओ भाई कैसे इस मिलिट्री कर्नल का पागल बनाता हूँ मैं। सर वेयर आर यू सर, ओके आ जाओ सर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमें किसी कमरे में जाके बात करनी पड़ेगी। ओके सर आ जाओ प्लीज़। तो कमरा कौन सा, कहाँ इसे लॉक करूँ भाई, ये वाला कमरा ठीक है, ट्रेनिंग रूम, हाँ ये ठीक है सर। हेलो सर एक्सक्यूज मी सर, सर जल्दी आओ सर, सर जल्दी आओ सर, मैं ये कह रहा, अरे सर अंदर तो आओ सर, बात लीक हो जाएगी फिर आप लॉस एंजेलिस को बचा नहीं पाओगे, अंदर आओ सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर आओ सर, आपको बोर्ड पे अच्छी तरीके समझाना पड़ेगा सर, कम ऑन सर, अरे भाग गया। हेलो सर बहुत ज़रूरी है लॉस एंजेलिस को अगर आपको बचाना है तो, अंदर आओ सर। आ गए, अरे आ जाओ सर, ये आपने गन क्यों निकाल ली है, कोई बात नहीं। अरे यार इसने तो गन निकाल ली, अब टास्क कंप्लीट करने के बारे में सोचूं या फिर नहीं, कुछ भी हो मैं तो टास्क कंप्लीट करूंगा भाई। यस अब सर मैं मेरे को बाथरूम आ रहा है सर, मैं आता हूँ जस्ट अभी आता हूँ सर, आप यहीं रुको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सर, आपका जाना ज़रूरी है, मैं जस्ट अभी आया बाथरूम करके, अभी आया आया सर आया आया आया। लेट्स लॉक इट गाइस, एंड ये रूम कर दिया है लॉक, कर्नल भाई साहब रूम लॉक्ड, कर्नल भाई साहब अब आप कुछ भी करो अंदर, कुछ भी करो, दरवाज़ा पीटो कुछ भी करो, ये दरवाज़ा तो ओपन नहीं होने वाला है, मैंने अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए ये किया है, आई एम रियली वेरी सॉरी सर बट यू आर लॉक्ड, कुछ भी करो सर। निकल लेते हैं यहाँ से, हेलो हेलो, निकल लेते हैं भाई जल्दी जल्दी निकल लो, थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी मिलिट्री वालों को पता चले कि मैंने कर्नल को लॉक कर दिया रूम में, इससे पहले हम लोग निकल लेते हैं भाई, इन्हें पता चले इससे पहले ही निकल लेते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन मेरी बाइक धोखा मत दे दियो एंड टाइम पे, प्लीज़ 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 प्लीज़। मिलिट्री वालों को पता लगे इससे पहले ही कर्नल को रूम में लॉक करके मैं वहाँ से निकल के आ गया भाई। अब तेरा क्या होगा कर्नल भाई, तू तो गयो, छोड़ो उसे, अभी टास्क हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इसी के साथ अब बारी है उस दरवाजे को ओपन करने की, एंड ये देखने की कि आखिरकार इतने टास्क कंप्लीट करना वर्थ इट रहा कि नहीं। बट मैंने अभी अभी एक चीज़ नोटिस की, इस बाइक की स्पीड 350 तक भी जा रही है, क्या बात है। खैर अबे ये किधर जा रहा हूँ मैं, ओ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ बच गए, नहीं बचे, गिरी गया मैं नीचे, कोई बात नहीं जल्दी से बाइक पर बैठते हैं एंड निकलते हैं अपने घर की तरफ, एंड ओपन करते हैं उस सीक्रेट दरवाजे को। चलो भाई आ गए भाई घर की तरफ आ गए, हट जाओ भाई हट जाओ, हमारे वाले भाई साइड हटो, चलो एंड बारी है उस दरवाजे को ओपन करने की। भाई परेशान कर दिया इस दरवाजे ने, सुबह 6 घंटे के लिए गायब था अपने घर से, उतने में कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग एंड ये दरवाज़ा लगा के चला गया। खैर अभी टाइम है इसको ओपन करने का, देखते हैं उस पार क्या होगा, खाली हुआ तो चलते हैं, हियर वी गो। अबे
अबे लॉक्ड है बीबी, एक सेकेंड, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, हियर वी गो, यस हियर वी गो, नो कहाँ गिर गया, दरवाजा ओपन तो हो गया, ओए वेट, गोल्ड गोल्ड, अरे वाह भाई, और वो भी, अबे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, मेरे पास वो जो बाहर गाड़ी है गाइस, जिसको मतलब आरसी लैम्बोर्गिनी को मैंने कन्वर्ट किया है नॉर्मल लैम्बोर्गिनी में, वो भी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ही है। एंड यहाँ पर एक और मिल गई, तो सारा पैसा मिल गया, ओए मजा ही आ गया यार, फिर तो डेफिनेटली भाई ये वर्थ इट रहा, इतनी मेहनत तो डेफिनेटली वर्थ इट रही भाई, सीरियसली मैं मेरे सारे टास्क कंप्लीट करना सब कुछ वर्थ इट रहा है। अब बस ये पैसे लेके कैसे जाऊं यहाँ से मैं, एंड ये गाड़ी कैसे लेके जाऊं, पहले गाड़ी के अंदर बैठते हैं, शायद ये गेट वेट ओपन होगा, हेलो गेट ओपन कर दो भाई साहब, ओ यस 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 गेट ओपन हो चुका है, एंड ये पैसे भी रख लेते हैं, पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है भाई ये, डेफिनेटली 100-200 करोड़, एंड गोल्ड भी 100-200 करोड़, मतलब 300-400 करोड़ मिल गए मुझे यहाँ से, क्या बात है। एंड ये है अपनी लैम्बोर्गिनी, देखो भाई सेम है कि नहीं, मैं कह रहा था ये भी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, एंड जो मेरे पास बाहर आरसी कार को मैंने लैम्बोर्गिनी में चेंज किया है वो भी एक एवेंटाडोर ही है, दो दो लैम्बोर्गिनीज हो गई भाई, 300-400 करोड़ रुपये हो गए। बट हाँ टास्क भी काफ़ी एपिक थे, मज़ा आया टास्क को कंप्लीट करने में, तुम्हें भी मज़ा आया तो गाइस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो भाई, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ भाई फॉलो करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।